एक थ्योरम कंटिन्यूटी का, इफ द फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यहाँ ये दिया जा रहा है कि आपका कोई एक डोमेन सेट है यह ए टू बी और यह को डोमेन रियल नंबर है और इसमें एक फंक्शन एफ है, यह एफ इस क्लोज इंटरवल में एक कंटिन्यूअस है, तो हमको ये दिखाना है एंड एफ ए एफ बी हैव अपोजिट साइंस देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यह एफ जिसका डोमेन सेट क्लोज इंटरवल ए बी है और को डोमेन रियल नंबर आर है, तो ये कहा जा रहा है कि यह जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। और फिर ये कहा जा रहा है कि एफ ए यह ए है, इसका एफ इमेज लिया तो यह एफ ए, और इसी बी है इसका एफ इमेज लिया तो यह एफ बी है, तो यह एफ ए और एफ बी ये दोनों अपोजिट साइन रख रहे हैं, ये दिया गया है अपोजिट साइंस, यानी ये पॉजिटिव है तो यह निगेटिव या यह निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यानी दोनों अपोजिट साइन रख रहे हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ओपन इंटरवल ए बी में यानी इस ए और बी को छोड़ दें तो इसके बीच में कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा जिसको लैम्डा कह दिया गया है कि उस लैम्डा का एफ इमेज ले तो डिफिनिटली जीरो हो। क्वेश्चन में है कि एफ आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और ए का एफ इमेज ले एफ ए, बी का एफ इमेज ले एफ बी, तो एफ ए और एफ बी ये दोनों अपोजिट साइन रख रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव है तो एक दूसरा निगेटिव है, तो ये अपोजिट साइन रख रहे हैं, तब हमको ये प्रूफ करना है कि इस ए और बी को छोड़कर इसके बीच में जो कि ओपन इंटरवल है तो इसमें ए और बी नहीं आएगा, बीच के सारे नंबर्स आएंगे, तो ए और बी को छोड़कर इसके बीच में कोई एक नंबर मिलेगा। अब उस नंबर का नाम दे दिया गया लैम्डा कि उस लैम्डा का जब एफ इमेज लेंगे तो डिफिनिटली जीरो होगा, यानी एफ ए एफ बी अपोजिट है तो डिफिनिटली इसमें कोई ना कोई नंबर आएगा जिसका एफ इमेज जीरो देगा, तो ये चीज़ हमको दिखानी है। अब यह दिखाने के लिए हमको एक क्वेश्चन में दिया गया कि एफ ए और एफ बी ये दोनों अपोजिट साइन है, तो इसमें एक डिसाइड कर ले किसी एक को पॉजिटिव कह दे और किसी एक को निगेटिव कह दे, तो सपोज कर ले कि यदि एफ ए को पॉजिटिव कह दिया और एफ बी को निगेटिव कह दिया तो यह एफ ए है इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया पॉजिटिव, इसको सपोज कर लिया निगेटिव, या इसको यदि पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेंगे, तो कोई एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो एक हमने रैंडम आप भी जो चाहे लेना ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर दिया इसको निगेटिव कर दिया। अब आप क्या करें कि जो यह ए बी है इसका मिडल पॉइंट लें, अब यह ए बी है इसका मिडल पॉइंट हमने ले लिया सी, इसको कह दिया सी, इसी का मिडल पॉइंट हमने ले लिया सी, अब इस सी का एफ इमेज लें, तो सी का एफ इमेज लिया तो ये हमारा एफ सी हुआ, अब जब यह एफ सी हुआ तो ये तीन स्थितियों को दे सकता है, या तो एफ सी जीरो हो जाए, नहीं तो एफ सी पॉजिटिव हो जाए और नहीं तो एफ सी निगेटिव हो जाए, इन तीनों में कोई ना कोई एक स्थिति हुआ, यदि वह एफ सी जीरो हो जाए तब तो थ्योरम यही आपका प्रूफ, क्योंकि आपको दिखाना क्या है कि ए और बी को छोड़कर बीच में कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलना चाहिए जिसका एफ इमेज जीरो दे दे, तो हमने क्या किया कि ए और बी का मिडल पॉइंट लिया और इस मिडल पॉइंट में जो सी है इसका एफ इमेज लिया उसको हमने एफ सी कहा, अब यह एफ सी यदि जीरो हो गया तब तो थ्योरम यही प्रूफ कि ए और बी को छोड़ करके बीच में कोई एलिमेंट सी मिलना चाहिए जिसका एफ इमेज जीरो हो जाए, लेकिन ए एफ सी जीरो हो जाए ये दिया नहीं है, वो तो हमने एक संभावना की या तो जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा नहीं तो निगेटिव होगा, तो यदि एफ सी जीरो हो गया तब हमारा ये एफ ए को अभी इसका जो प्रूफ है
तो प्रूफ आपको हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा, और उसको आप लिखेंगे, बुक में दिया गया है। तो लेकिन समझने वाला वर्क वो कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि लेट एफ ए इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव एंड एफ बी इज निगेटिव, ये हमने सपोज कर लिया। एंड लेट सी इज मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिडल पॉइंट हमने सी ले लिया। देन एफ सी इज इक्वल टू जीरो आर एफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ सी इज इक्वल टू जीरो यदि हो जाए, इफ सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू जीरो, देन द थ्योरम इज प्रूव्ड। इज प्रूव्ड इफ एफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आइदर एफ सी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आर एफ सी इज निगेटिव। सिंपल सा भी वर्क हमने किया, क्लोज इंटरवल ए बी रहा, इस ए बी का मिडल पॉइंट सी लिया और इस सी का यफ इमेज लिया एफ सी, यदि यह यफ सी जीरो हो गया तब इस ए और बी को छोड़ करके यह पॉइंट सी है, इसलिए यह सी ओपन इंटरवल में मिलेगा। जब ये ए और बी भी ये हो सकता था तब उसको क्लोज इंटरवल लेते, लेकिन ए और बी को छोड़ करके है तभी हमारा ओपन इंटरवल, तब यह सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा मिला कि यफ सी हमारा जीरो हो गया, ये यफ सी जीरो हो गया, लेकिन ये दिया नहीं है। तो ये यफ सी यदि जीरो हो जाए तब तो आपका थ्योरम प्रूव, लेकिन यदि यफ सी जीरो न हो, ये यफ सी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब यफ सी या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो यफ सी निगेटिव होगा। अब आप देखें यदि यफ सी पॉजिटिव हो जाए, ये यफ सी पॉजिटिव हो जाए, तब हम देख रहे हैं कि ये कौन सा इंटरवल है जिसमें वो दोनों अपोजिट साइन रखा है। अब आप यही समझें, यह एफ सी है, यदि ये पॉजिटिव रहे तब आपका ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, सेम साइन दिया, लेकिन यह पॉजिटिव और यह निगेटिव थे, ये अपोजिट साइन दिया, तो जो अपोजिट साइन दिया वो किसका एफ इमेज, तो सी का एफ इमेज पॉजिटिव और बी का एफ इमेज निगेटिव, तो यह सी बी को ए वन बी वन कह दें, यानी ए वन बी वन किसको कहा गया है कि जिस का यफ इमेज लें और अपोजिट साइन हो उस इंटरवल को हमने ए वन बी वन कहा। तो अब आप देखें ए का यफ इमेज यफ ए, बी का यफ इमेज यफ बी, इसको सपोज कर लिया पॉजिटिव है, इसको निगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन दे रहा है। अब आप क्या कर लें कि ए बी, ए बी का मिडल पॉइंट लें, इसका सी इमेज यफ सी यदि जीरो हो जाए तो थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, यदि ये जीरो नहीं है तो या तो ये पॉजिटिव होगा और नहीं तो निगेटिव होगा। यदि ये पॉजिटिव हो तब आप देखेंगे कि ए इंटरवल आपका अपोजिट साइन दे रहा है, तो अपोजिट यह सी और यह बी, यह दिया तो सी बी को ए वन बी वन कहेंगे, और यदि यह एफ सी आपका निगेटिव हो तो जब निगेटिव रहेगा तब ये दोनों सेम साइन है तो सेम साइन को छोड़ देना है। अब ये अपोजिट साइन रहा, तो जब ये अपोजिट साइन रहा तो ये हमारा सी का निगेटिव दिया और ए का अपोजिट दिया, यानी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में कोई हो तो इसमें एक इंटरवल है जो अपोजिट साइन दे रहा है, तो जो अपोजिट साइन दिया उसी को हमने ए वन बी वन कह दिया।
यानी A1 B1 ये हमारा वो इंटरवल है जो फिर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो तीन कंडीशन क्या है? एक तो A1 B1 उसको कहा कि जो FA1 और FB1 ये अपोजिट साइन दिया, यदि आपका ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव है तो अपोजिट साइन ए दिया तो यह CP को A1 B1 कहेंगे, और यदि यह निगेटिव रहेगा तब हमारा अपोजिट साइन यह दिया तो इस C और A को हम A1 B1 कहेंगे, यानी A1 B1 उसी को कहेंगे जो अपोजिट साइन देगा। तो यह A1 B1 आया। अब यह A1 B1 तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यह A1 B1 AB का हाफ हुआ, तो यह A1 B1 AB का सबसेट हो गया। तो ये पहला कंडीशन, ये जो पहला कंडीशन हुआ वो A1 B1 आपका AB का सबसेट हो गया। और दूसरा लेंथ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ AB का जो लेंथ है उसका हाफ आपका A1 B1 का हुआ। तो ये चीज। और दूसरा हमारा तीसरा क्या मिला? तीसरा मिला कि FA1 एंड FB1 हैव अपोजिट साइन। ये दोनों अपोजिट साइन रखा, उसी को हमने A1 B1 कहा। तो ये चीज आ गई। अब आप सपोज कर रहे हैं कि यदि ये यह अपोजिट साइन दिया तो A1 हमारा यह हुआ और B1 हमारा यह हुआ। तो अब आप क्या कर लेंगे कि फिर A1 B1 जो आया उसका मिडल पॉइंट, उसका मिडल पॉइंट, तो इसका मिडल पॉइंट लिया A1 B1 का, तो फिर इसको हमने C1 कह दिया। ये C1 यह आया। अब इस C1 का फिर यह भी मेज लें, तो C1 का यह भी मेज लेंगे तो हमारा FC1 फिर दो स्थितियां, या तो ये जीरो हो जाए और नहीं तो जीरो न हो। तो यदि यह C1 जो आया इसका यह इमेज कहा और A FC1 यदि जीरो आ जाए तो फिर थ्योरम आपका प्रूफ, क्योंकि यह C1 A और B को छोड़ करके है, इसलिए C1 ओपन इंटरवल AB का वो पॉइंट हुआ जिसका F इमेज जीरो आ गया, और यह हमको थ्योरम में दिखा रहा था। लेकिन फिर FC1 जीरो है यह क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो हमने एक सपोज किया, तो यदि जीरो हो जाता तब तो थ्योरम आपका प्रूफ हो जाता। लेकिन यदि ये जीरो नहीं है इट मीन्स हमको अब फिर तब नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। तो जब नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा तो फिर दो साइन, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अब जब ये FC1 जीरो जब न हो उस समय यह पॉजिटिव यदि हुआ तब आप देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव हो गया और ये दोनों निगेटिव हो गया। तो जो निगेटिव दिया अपोजिट साइन दिया उसी को तो हम C1 और B1 को यह A2 B2 कह देंगे। अब यह A2 B2 और यदि ये निगेटिव रहता, तो जब निगेटिव रहता तो ये दोनों सेम साइन देता, और ये निगेटिव है पॉजिटिव ये अपोजिट साइन दे देता। तो अपोजिट साइन जो इंटरवल देगा अब उसको A2 B2 कहेंगे, यानी A2 B2 आपका वो लेंथ हुआ जो हमको अपोजिट साइन दे रहा है। तो फिर अब हम इसी को एक बार और इस प्रोसीजर को करेंगे, यानी हर बार क्या किया कि यहाँ आपका यह AB जो था इसका मिडल पॉइंट लिया C और इसका F इमेज लिया, ये हमारा आया FC। यदि यह जीरो रहा, जिसमें हमें सपोज किए हैं यह FA जो था वो आपका पॉजिटिव और यह FB ये निगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि अपोजिट साइन है, तो एक को पॉजिटिव ले लिया है और एक को हमने निगेटिव ले लिया है। फिर इसका मिडल पॉइंट C लिया, यह FC यदि जीरो हो जाए तो थ्योरम यही प्रूफ, और यदि यह जीरो न हो तब ये तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो यदि यह पॉजिटिव हो तब देख रहा है कि यह अपोजिट साइन दिया और ये सेम साइन दिया, तो जो सेम साइन दिया उसको छोड़ देना है,
लेकिन जो अपोजिट साइन दिया उसको अब हम इस सी और बी को A1 B1 कहेंगे। अब हमारा यह A1 और B1 यह हो गया। A1 B1 वो इंटरवल है जिसका एफ इमेज ले तो वो अपोजिट साइन है। और फिर क्या करें कि A1 B1 का फिर मिडल पॉइंट लिया हमने C1, इसका फिर मिडल पॉइंट। तो जब C1 लिया तो यहाँ से C1 का एफ इमेज ले तो यह एफ C1 यदि यह 0 आ गया तो थ्योरम आपका प्रूव, क्योंकि A और B के बीच कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए जिसका एफ इमेज 0 हो जाए, यही हमको दिखाना है। तो यदि यह 0 आ गया तो थ्योरम आपका प्रूव, लेकिन यदि यह 0 ना हो तो फिर ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो यदि यह पॉजिटिव रहेगा तब आपका अपोजिट साइन यह दिया और ये सेम साइन, तो सेम साइन को छोड़ देना। अपोजिट साइन तो ये हमको आया है C1 A1 का, ये अपोजिट साइन है। तो अब यह A1 C1 को अब हम A2 B2 कहेंगे। A2 B2 यानी A2 B2 वो इंटरवल हुआ जिसमें A1 का यह इमेज और B1 ये जो C1 है अब इसी को AB को पहला इंटरवल किया और जिसका एफ इमेज अपोजिट साइन दिया वो A1 B1 आया। फिर इस जो अपोजिट साइन दिया उसका फिर मिडल पॉइंट लिया और उसमें जो अपोजिट साइन देगा उसको हम A2 B2 कहेंगे। अब ये यदि आपका पॉजिटिव है, यदि ये निगेटिव हो जाए तब आपका ये सेम साइन दिया और यह अपोजिट साइन दिया तो कोई एक इक्वल इंटरवल देगा और एक हमारा अपोजिट देगा। तो जो अपोजिट देगा उसी को हम A2 B2 कहेंगे। तब देखेंगे कि यदि यह इसको हम A2, यदि ये आपका अपोजिट साइन हुआ तो यह A2 और B2। अब जो अपोजिट साइन दे दिया उसको हमने अब A2 B2 कहा। तो यह एफ A2 और यह B2 ये दोनों के अपोजिट साइन है और यह A2 B2 होगा वो आपका A1 B1 का हाफ हुआ और A1 B1 जो है वो AB का हाफ है। इसका मतलब AB का A2 B2 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 पार्ट हुआ और A2 B2 वो इंटरवल है जिसमें यफ A2 और यफ B2 अपोजिट साइन रख रहा है। तो इसको जब एक बार और करेंगे तब हमारा A2 B2 जो हुआ वो आपका A1 B1 में कंटेंट हुआ और A1 B1 जो हुआ वह AB में कंटेंट हो गया। और फिर सेकंड जो हुआ वो आपका लेंथ ऑफ A2 B2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ AB का जो लेंथ हुआ उसका 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर और A2 B2 वो पार्ट हुआ A2 B2 इज इंटरवल सच दैट FA2 एंड FB2 हैव अपोजिट साइन। ये हमारा अपोजिट साइन हो गया। तो ये प्रोसीजर हम कंटिन्यू करते जाएंगे n टाइम्स तक किए, यानी हर बार में क्या करना है जैसे ये A2 B2 आया फिर इसका मिडल पॉइंट लेंगे और उसका यफ इमेज करेंगे। वो यफ इमेज यदि 0 दे दिया तो थ्योरम प्रूव, यदि 0 नहीं दिया तो जब पॉजिटिव हुआ तब हम देखेंगे कि कौन अपोजिट साइन दे रहा है और जो अपोजिट साइन देगा अब उसको तीसरी बार में A3 B3 कहेंगे। ऐसे इस प्रोसीजर को हम कंटिन्यू करते जाएं। तो जब यन टाइम करेंगे तब हमको यन टाइम में पहला जो आया AN BN यह आया और ये अपने के ऊपर के सब में कंटेंट होगा, या A3 B3 या A2 B2 और या A1 B1 और लास्ट में यह AB
यानी जितनी बार इंटरवल करते जाएंगे वो अपने केस ऊपर वाले इंटरवल का हाफ होगा और सब में कंटेंट होता जाएगा। तो ये यन बार भी करेंगे तो यही मिला। अब यह लेंथ लेंथ ऑफ ए एन बी एन इज इक्वल टू 1/2 to the power n लेंथ ऑफ ए बी। अब आप देख रहे हैं इस तरह का वर्क कई बार पीछे भी किया गया है कि जब हम एक बार इसको पार्ट किए तो जब हाफ लिए तो ए बी का हाफ, इसको फिर दो पार्ट किए और एक जो आया वो टोटल का 1/2 का स्क्वायर, यदि फिर इसका हाफ करेंगे तो टोटल का 1/2 का क्यूब लेंथ, और जब यन बार करेंगे तो ये 1/2 to the power n यह लेंथ था ए बी टोटल का। और ए एन बी एन कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है जिसमें यफ ए एन और यफ बी एन अपोजिट साइन रख रहा है। हर बार जब जीरो नहीं हो रहा है तो दो इंटरवल हो रहे हैं, एक इंटरवल जो सेम साइन दिया, जैसे हमने पॉजिटिव लिया ये पॉजिटिव लिया तो यह सेम साइन दिया, और एक ये पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो अपोजिट साइन दिया, फिर अगली बार किया तो ये हमारा सेम साइन दिया और ये हमारा अपोजिट साइन दिया। तो जो भी अपोजिट साइन देगा उसी को a1 b1 a2 b2 a3 b3 से लेकर के an bn ऐसा हम कहते जाएंगे। तो आपका थर्ड जो है वो थर्ड आया f a n and f b n हैव अपोजिट साइन। ये वो इंटरवल है जो अपोजिट साइन रख रहा है। इस तरह से इस प्रोसीजर को आप यन टाइम करते आइए, ये यन टाइम करते आइए। अब जब यन टाइम किया गया तो हमको यह मिला। अब आप क्या कर लो कि इसी को इनफाइनाइट, जैसे हमने यह ए बी यह था ए बी, इसमें वो इंटरवल जो अपोजिट साइन दिया उसको हमने a1 b1 यह कह दिया, फिर इसका हमने मिडल पॉइंट फिर लिया था, और तब इन दोनों में जो अपोजिट साइन दिया उसको हमने कह दिया a2 b2, ये हमारा a2 और b2 ऐसा आ गया। फिर इसको इसी तरीके से हम दो बार मिडल पॉइंट लेते जाएं और जो आपका अपोजिट साइन देगा तो उसी को हम a3 b3 से लेते हुए और इसको n टाइम जब किया तब हमको यह मिल गया a n b n, इसी को पार्ट करते करते आए और n बार किया तब हमारा a n b n ऐसा आ गया। अब आप देखेंगे कि जब यह n को इसी को अब ये n बार किया गया है इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे तब इसका लेंथ जो ये एन को इनफाइनाइट करेंगे तब ये 2 to the power infinite दैट इज इनफाइनाइट और 1/infinite इज जीरो। तो इसका मतलब जब इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे तब जो इंटरवल होगा उसका जो लेंथ होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो गया तो कब होगा कि ए एन और बी एन दोनों एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएंगे तब उसके बीच का लेंथ जीरो होगा। तो इसको जब इनफाइनाइट तक करेंगे तब आपका ए एन और बी एन ये दोनों एक ही पर आ जाएंगे और उसको हमने कह दिया लैम्डा। यानी लैम्डा किसको कहा कि जब इनफाइनाइट टाइम तक किया तब इसका जो लेंथ हुआ वो जीरो हो गया, और लेंथ जीरो हो गया तो यह और ये दोनों एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएंगे, उसको हमने कह दिया लैम्डा। अब आप देखेंगे कि जो भी ये इंटरवल आ रहा है वो इंटरवल अपने से, जैसे यह a1 b1 यह ए बी में कंटेंट किया, यह a2 b2 ए बी में कंटेंट है a1 b1 और ये a1 b1 ए बी में है, फिर ऐसे an bn ये अपने ऊपर में है ये इसमें है, फिर यानी जो इंटरवल होता जा रहा है अपने से ऊपर के सब में है। तो जब इनफाइनाइट तक करेंगे तो जो हमको यह एक पॉइंट मिल गया लैम्डा तो वो लैम्डा अपने से ऊपर के सब में आएगा। यानी यही वर्क वी कंटिन्यू दिस
process up to infinite then length of an bn as n tends to infinite is equal to 1 by 2 to the power infinite length of ab. ये हमारा आया है, जितने n बार किया तो इसका जो लेंथ आया 1 by 2 to the power n, और जब infinite करेंगे तो 1 by 2 to the power infinite, it means 0. तो जब लेंथ 0 आ गया, this implies an tends to bn is equal to lambda. ये दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे और जो आया उसी को हमने कह दिया lambda. ये हमने lambda इसको मान लिया कि जिस पॉइंट पे दोनों कोइंसाइड कर गए वो हमारा lambda हो गया. तो जो यह lambda होगा वो अपने ऊपर के सब में बिलोंग करेगा. तो this implies lambda belongs to closed interval ab. ये अपने यहाँ इनफाइनाइट तक करने पर ये ऊपर के सब में बिलोंग किया तो यह ए बी में बिलोंग कर गया. अब ये लास्ट स्टेप आपका इस थ्योरम का अब आने वाला है, उसको आप समझ रहे हैं कि अब फिर देखो जो ये लास्ट आया है, ये लास्ट आने पर हमारी दो स्थितियाँ होंगी कि यह जो यफ लैम्डा हुआ यह यफ लैम्डा यह जीरो हो या यह एफ लैम्डा जीरो न हो, ये दो ही स्थिति होगी. तो यदि यह लैम्डा जो आपका इसमें आया और वह ए और बी को छोड़ करके आया है, इसलिए हमारा यह ओपन इंटरवल हो जाएगा. ये ओपन इंटरवल या जो लैम्डा हुआ वो हमारा ओपन इंटरवल ए बी, इसका यह एक पॉइंट हो गया कि ए एफ लैम्डा जीरो दे दे, और यदि यह एफ लैम्डा जीरो न दे, यदि ये नॉट इक्वल टू जीरो आए, तो हम ये देखेंगे कि एक कॉन्ट्रडिक्शन हमको मिल जा रहा है. यानी डिफिनिटली जब इनफाइनाइट तक करेंगे और जो एक पॉइंट मिला जिस पर लेंथ जीरो हुआ तो ए एन और बी एन कोइंसाइड कर गया, तो जिस पर कोइंसाइड किया उसी को हमने लैम्डा कहा, और ये प्रत्येक बार पार्ट करने पर ये अपने के ऊपर में आता जा रहा है, तो यह लैम्डा इसके बीच में आ जाएगा. तो जब लैम्डा आया तो डिफिनिटली यह जो लैम्डा हुआ वो उसका यह लैम्डा करेंगे तो जीरो ही देगा. अब यदि ये जीरो न दे तो क्या कंडीशन आएगा, क्या कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, तो उसको देखें. यदि यह यह लैम्डा जीरो हो गया तब तो थ्योरम प्रूफ, लेकिन यदि ये जीरो न हो तब एक थ्योरम हम लोगों ने पीछे किया है. ठीक इसके पहले एक थ्योरम किया गया है कि यदि हमारा कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमारा डोमेन सेट है और ये हमारा को डोमेन सेट है, अब इसमें यदि कोई एक पॉइंट हमने ले लिया लैम्डा चाहे सी, और इसका यफ लैम्डा यदि यह जीरो न हो, ये ठीक इसके पहले वाला थ्योरम है कि यदि यफ कंटिन्यूअस है और इसके बीच में कोई पॉइंट है और उसका यफ इमेज जीरो न हो, तब इस पर एक इंटरवल हमको डिफिनिटली मिलता है जिसके अंदर के सभी पॉइंट का साइन एक ही होता है. ये हम लोग कर चुके हैं. तो यदि हम सपोज कर लें कि दिखाना तो है कि यफ लैम्डा इक्वल टू जीरो, लेकिन यदि सपोज कर लें कि यफ लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब हमको इस लैम्डा पर एक इंटरवल मिलता है कि जिस इंटरवल के अंदर के जितने एक्स होंगे उन सबका साइन जो होगा वो हमारा सेम होगा. तो इफ एफ लैम्डा इज ए नॉट इक्वल टू जीरो देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है एन इंटरवल लैम्डा माइनस डेल और लैम्डा प्लस डेल सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लैम्डा माइनस डेल लैम्डा प्लस डेल है सेम साइन
एक थ्योरम हम लोग कर चुके हैं कि जो लास्ट में हमको इनफाइनाइट टाइम तक किया तो एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट ऊपर तक जाएगा तो इसकी वैल्यू एफ लैम्डा जीरो हो। यदि ये एफ लैम्डा जीरो न हो, यदि यह जीरो न हो, तब हम जो ठीक इसके पहले थ्योरम किए हैं कि यदि इसमें कोई एक पॉइंट है और उसका एफ में जीरो न हो तो डिफिनेटली इसमें एक इंटरवल, एक लेंथ मिलेगा कि इस लेंथ के अंदर के जितने एक्स होंगे उन सबका साइन सेम देगा। यानी इसके बीच के जितने भी एक्स होंगे, जितने भी एक्स होंगे इन सबका जो साइन होगा वो सेम होगा, ये कई साइंस। तो अब हमको यह ले लिया गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आया लैम्डा, तो इसी लैम्डा से डेल डिस्टेंस ये पहले और डेल डिस्टेंस ये बाद, इसके बीच में जितने एक्स हैं सबका एफ इमेज सेम साइन दे रहा है, ठीक है ये। लेकिन जो हम सपोज किए हैं, ये सपोज किए तो ए बी को दो पार्ट में किया, जिस इंटरवल में एफ ए वन एफ बी वन अपोजिट साइन दिया उसी को ए वन बी वन कहा, इसको फिर दो पार्ट किया और तब जो एफ ए टू एफ बी टू जो अपोजिट साइन दिया उसी को ए टू बी टू कहा। इस तरह से हम करते हुए एन टाइम्स आए और जो इंटरवल अपोजिट साइन दिया यानी एफ ए वन ए एन और एफ बी एन जो अपोजिट साइन दिया उसी को हमने ए एन बी एन कहा, और जब इनफाइनाइट तक किए तो यह एक पॉइंट दे दिया, और जब दो रहता तब अपोजिट साइन की बात आती, अब एक ही पॉइंट आ गया, ये हमारा लैम्डा हुआ। अब आप देखेंगे कि यह लैम्डा की जो वैल्यू है उसका एफ इमेज एफ लैम्डा यदि जीरो आ जाए तब तो थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि हमको ए और बी के बीच एक पॉइंट ऐसा पाना है जिसका एफ इमेज जीरो हो, वही दिखाना है। लेकिन ये सपोज कर लें कि यह जीरो न हो, तो जब जीरो न हो ऐसा लेंगे तो एक कॉन्ट्रेडिक्शन मिल जाएगा। किस बात की कॉन्ट्रेडिक्शन? कि हम ठीक इसके पहले थ्योरम जो किए हैं कि यदि यह लैम्डा है इसका एफ इमेज जीरो नहीं है तो लैम्डा पर एक इंटरवल मिलेगा कि जिसके बीच के सारे पॉइंट का एफ इमेज एक ही आएगा, सेम साइन देगा। अब ये जो इंटरवल आया वह इंटरवल है जिसके सारे एक्स सेम साइन दे रहे हैं। अब ये पार्ट आप क्या किया कि ए एन बी एन इसको और पार्ट करते जाइए और तब देखिए कि ये पार्ट जब इनफाइनाइट तक करेंगे तब तो ये कई पॉइंट आ जाए, लेकिन ये इतनी पार करें कि इसका इंटरवल जब लैम्डा से या डेल पहले और डेल इसके बीच में आ जाए तो वहीं आप इसको रोक दें। और तब हमने सपोज किया कि वह ए एम बी एम हुआ, यानी ए एम बी एम इसको दो पार्ट किया, तीन पार्ट किया, चार पार्ट किया, यन पार्ट किया, फिर पार्ट करते जा रहा है तो लेंथ इसका कम होता जा रहा है, और इनफाइनाइट तक कर दिए तो लेंथ जीरो आ गया। तो इनफाइनाइट तक नहीं करना है, लेकिन ये जब लेंथ कम होता जा रहा है तो इतना कम आवे कि ये इनफाइनाइट पर जो यो आया इससे ऊपर ही यानी ये इसके इसके बीच में आ जाए, तब उसको हमने कह दिया कि वह ए एम और बी एम। तो यह ए एम बी एम जो आया वो इसके अंदर आया, ए एम ए एम और यह जो बी एम है ए एम और जो बी एम आया वो आपका इसको पार्ट करते करते और जब देखा गया यह इतना आया कि इसका लेंथ ये फिर और बढ़ाते जाएंगे तब तो ये जीरो तक आ जाएगा, लेकिन ये जीरो लेंथ ना हो लेकिन इतना लेंथ हो कि जो यह लेंथ है इससे जब कम आ जाए, क्योंकि जब कम करते जा रहे हो तो हर बार आधा होता जा रहा है तो हाफ होता जा रहा है, तो हाफ होते होते ये कम इतना आवे कि जो ये इंटरवल लिया गया इसके बीच में ये इंटरवल आ जाए, तो उसको हमने कह दिया ए एम बी एम। लेकिन ये जो भी पार्ट कर रहे हैं वो जो अपोजिट साइन दे रहा है उसको ए वन बी वन कहा, जो अपोजिट साइन दिया उसको ए टू बी टू कहा, इसको दो पार्ट किया और एक सेम साइन देगा एक अपोजिट साइन, तो जो अपोजिट साइन देगा उसको हम ए एम बी एम कहेंगे। तो यह ए एम बी एम वो पार्ट है जो क्या दे रहा है अपोजिट साइन, और आप जो यहाँ से माने उससे क्या है
कि लैम्डा से डेल डिस्टेंस पहले और लैम्डा से डेल डिस्टेंस इसके बीच में जितने यक्स है वो सेम साइन दे रहा है। तो ये सेम साइन क्यों दे रहा है, कब ये दिया? जब हम ये मानते हैं कि यक्स लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो रहे तब ये इंटरवल मिलता है कि सेम साइन दे। यदि ये कंडीशन न हो तो सेम साइन नहीं देता है। तो इसका मतलब जब यक्स लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो दे रहे हैं तो इसको पार्ट करते करते हम इसमें ऐसा एक इंटरवल पा रहे हैं कि जो इसी में बिलोंग कर जा रहा है, और ये पार्ट तो हो रहा है कि हर बार जो अपोजिट साइन दे रहा है उसको ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए एन बी एन और ए एम बी एम ऐसा कहा। लेकिन जब इसको यक्स लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो लिया तब इसमें कहा कि यह जो इंटरवल होगा उस इंटरवल के बीच के सारे पॉइंट का एफ इमेज सेम साइन देगा। तो इस एफ लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो लिया तब तो इसके बीच के सभी एक्स का एक ही साइन हुआ, लेकिन इसका हाफ करते करते आए और ए एम बी एम इसके बीच के जो पॉइंट है वो यह ए एम और बी एम अपोजिट साइन दे रहा है। तो यह अपोजिट साइन दे रहा है और ये नॉट इक्वल टू जीरो मानने पर ये सेम साइन दे रहा है। इसका मतलब यह हमको जब यह नॉट इक्वल टू जीरो जब ले लिए तब हमको ये दिया कि ये ऐसा इंटरवल मिलेगा जिसमें सेम साइन होगा, लेकिन यह सेम साइन यदि दे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब जो हमें सपोज कर रहे हैं कि यह लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है, इसके मानने से हमको ये इंटरवल के सारे यक्स सेम पॉइंट दिया और उसी में लाइक करने वाला हमको एक इंटरवल इससे पार्ट करते करते जब आए तो वह इंटरवल आया कि जो अपोजिट साइन दे रहा है। इसका मतलब हम जो ये माने हैं उसके मानने से ये आया है कि ये सेम साइन देगा। तो यह सेम साइन यदि देगा ये बात मानेंगे तो इसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये सही हो जो ऊपर से हम पाते आ रहे हैं। तो इसके लिए हमको यह यक्स लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो जो सपोज किया वो गलत है, क्योंकि जब यह नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तभी सेम साइन देगा। तो इस तरह से आपको यह एफ लैम्डा जो हुआ वो डिफिनिटली जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो पर यह एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है और ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये टोटल जो थ्योरम है उस थ्योरम को हमने समझाने का प्रयास किया। फाइनली एक बार आप समझ लें, क्लोज इंटरवल ए बी है, इस ए बी में यफ ए और यफ बी अपोजिट साइन रख रहा है, इसका मिडल पॉइंट लिया और जब मिडल पॉइंट लिया तो हमको पहला स्थिति कि यदि वो सी लिया तो यफ सी जीरो हो जाए, यदि जीरो हो गया तो थ्योरम वही प्रूव, क्योंकि ए और बी को छोड़ करके इसके बीच एक पॉइंट आना है जिसका यफ इमेज जीरो हो जाए। तो यदि वो हो गया तो ठीक है, लेकिन ये दिया नहीं है कि वो जीरो ही है, तो यदि नॉट इक्वल टू जीरो हो तब वो या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो निगेटिव होगा। तो चूंकि ये दोनों साइन यफ ए और यफ बी ये दोनों अपोजिट साइन है एफ ए और एफ बी, तो ये डिफिनिटली एक इंटरवल आपका अपोजिट देगा। तो जो अपोजिट दिया उसी को ए वन बी वन कहा, यानी ए वन बी वन ए बी का हाफ हुआ और ए वन बी वन ए बी में बिलोंग किया। इसी प्रोसीजर और ए वन बी वन उस पार्ट को कहा जिसमें एफ ए वन एफ बी वन अपोजिट साइन दे रहा है। इस तरह से इसको फिर दो पार्ट करें और फिर तीन पार्ट करें और करते जाएं तो जो यह ए वन बी वन ए टू बी टू ए एन बी एन जो भी हमको मिल रहा है वो उस इंटरवल को ले रहा है जो अपोजिट साइन दे रहा है, और इस तरह से हम बढ़ते हुए आए। तो एक पहला स्टेप इसका। इसके बाद से जब इसको इनफाइनाइट तक करेंगे तो इसका लेंथ जीरो आ जाएगा, और जब लेंथ जीरो आ गया तो एक पॉइंट मिला। तो ये जो भी पार्ट कर रहे हैं अपने के ऊपर सब में है, तो इनफाइनाइट करने पर जो आया वो भी अपने के ऊपर में होगा, तो यह लैम्डा ए बी में बिलोंग करेगा। तो जब ए बी में बिलोंग किया तब इस लैम्डा का एफ लैम्डा लें तो या तो जीरो हो या नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो होगा तब तो थ्योरम प्रूव, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो हो तब हम यहाँ दिखाएंगे। अब तक तो ऑप्शन हम लेते रहे कि जीरो हो नॉट इक्वल टू जीरो हो, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन नहीं, हम यहाँ दिखाएंगे कि यह लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अब ये नहीं होगा ये किस आधार पे कहेंगे, क्योंकि यदि एफ लैम्डा ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तब यह लैम्डा में एक ऐसा इंटरवल मिलेगा कि जिसके अंतर के सभी एक्स का
एफ इमेज सेम साइन देगा, इसके ठीक पहले थ्योरम जो किया गया है वो, तो ये सेम साइन तब देता है जब एफ लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो रहे तभी। तो यदि ऐसा ले लेंगे तो इसके बीच के सभी पॉइंट का एफ इमेज एक ही साइन देगा, लेकिन हम इसको पार्ट करते जाए इनफाइनाइट पर एक पॉइंट आया और तब इसको पार्ट करते हुए इतना छोटा हम पा सकते हैं कि जो यह इंटरवल है वो इसके बीच में आ जाए। तो यह ए एम बी एम का, तो यह यप ए एम और यप बी एम ये अपोजिट साइन देगा, क्योंकि इसमें जो इक्वल साइन दिया उसको छोड़ दिया और जो अपोजिट साइन दिया उसी को ए एम बी एम कहा है। तो यह ए एम बी एम अपोजिट साइन दिया, ये जो दिया जा रहा है उसके अनुसार, लेकिन यह इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और एफ लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो रहा है, तो इसके बीच के सारे पॉइंट का यह इमेज सेम साइन दे रहा है। इसका मतलब ये अपोजिट साइन तो दिया जा रहा है, ये सेम साइन तब आया जब इसको हमने नॉट इक्वल टू जीरो ले लिया। तो सेम साइन नहीं हो सकता, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हम जो सपोज किए हैं वो गलत किए हैं, तो ये जीरो नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारा एफ लैम्डा जीरो हो जाएगा और इस तरह ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो जाएगा।